प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ त्रिकोणमिति कोणों का मान कैसे ज्ञात करना है। कोण जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान हम कैसे याद कर सकते हैं, या हम परीक्षा में बैठे हुए हैं, हमें साइन 30 का मान नहीं आ रहा, टैन 45 का मान नहीं याद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए आप लोगों को यह याद रहेगा तो आप बड़े आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में आप सभी मानों को अपने कॉपी पर लिख करके याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले आपको करना है कि देख रहे हैं, इस तरह से आप एक साड़ी बनाएंगे और उस साड़ी में कोण लिखेंगे, तो कोण में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरह से इसको लिखने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। आप करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले आप 0 अंश वाले कोण में 0 लिखेंगे, 30 अंश के कोण में 1 लिखेंगे, 45 अंश के कोण में 2, 60 अंश के कोण में 3 और 90 अंश के कोण में 4। इस तरह से लिखने के बाद अब आपको यही उल्टी गिनती लिखना है। जैसे देखिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप सब में 4 से भाग दे दें। आप जब सब में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको सबका वर्गमूल कर देना है, तो वर्गमूल आप जानते हैं, तो वर्गमूल कैसे करेंगे, सबके ऊपर इस तरह से करड़ी लगा देंगे, ऐसे ये हो गया सबका वर्गमूल हो गया। अब जो मान आएगा तो इसमें रख देंगे, तो देखिए अगर 0/4 है तो 0 में जब 4 का भाग करें 0 आएगा, इसलिए साइन थीटा में 0 अंश का मान आ जाएगा 0। 1/4 है, जब 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। फिर देखिए 2/4 है, तो जब इसका वर्गमूल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो गया 2 2 4, और इस तरह से हो जाएगा 1/2। इसी तरह से 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको आप 3 लिख देंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यहाँ 2 लिख देंगे। और देखिए 4/4 है, 4/4 ये 1 हो जाएगा, और जब 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आप साइन 0 1/2 1/2 3/2 और 1, यह आ गया साइन का मान। इस तरह से साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/2 हो गया, और साइन 60 का मान आ गया 3/2, और साइन 90 का मान 1 आ गया। अब आपको कास का मान निकालना है। मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको इसी को उल्टे क्रम में लिख देना है, साइन थीटा के जितने मान आए हैं इसी को आप उल्टे क्रम में लिख देंगे, अर्थात आप 90 का मान 0 में लिखेंगे और 60 का मान 30 में लिखेंगे, 45 का 45 में, इस तरह से इसको उल्टा लिखिए। देखिए उल्टा लिख कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका ये हो गया 1, यहाँ पर आ जाएगा ये हो गया 3/2, यहाँ पर देखिए ये हो गया 1/2, और यहाँ पर आ गया ये देखिए हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा / कॉस थीटा, तो आपको करना क्या है, साइन थीटा का जैसे देखिए साइन थीटा का मान कितना है 0, तो 0/1 ये बराबर 0 आ जाएगा, तो इस तरह से इसमें आप लिख देंगे ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 भागे कर देंगे 3/2, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/2 गुणे हो जाएगा 2
तीन हो गया, दो से दो कट गया, ये आ जाएगा एक बटा कर्णी में तीन। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे एक बटा कर्णी में तीन। इसी तरह से यहाँ भी भाग करेंगे तो जब इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक, यहाँ एक लिख देंगे। जब इसका भाग करेंगे देखिए यहाँ पर दो से दो कट जाएगी, यहाँ पर कर्णी में तीन आ जाएगा। इसके बाद अब आपको भाग करना है एक बटा जीरो, जब आप लिख देंगे एक बटा जीरो तो एक बटे जीरो का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत, इसको आप कह सकते हैं अपरिभाषित, इसको आप अपरिभाषित कह सकते हैं या अनंत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो गया अनंत, इस तरह से इसको आप अपरिभाषित कह सकते हैं। अब आपको कॉस का मान निकालना है तो आप जानते हैं, आपको कोशेक का मान निकालना है तो आप जानते हैं कि कोशेक बराबर कितना होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोशेक थीटा, इस तरह से हो जाएगा ये कोशेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं कोशेक थीटा बराबर वन अपान साइन थीटा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कोशेक थीटा, कोशेक थीटा का स्थान पर वन अपान जीरो हो जाएगा। तो वन अपान जीरो का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे ये हो गया अनंत। देखिए जब साइन 30 अंश का एक बटे दो है, इसका उल्टा करें तो यहाँ पर दो आ जाएगा, ये दो लिख देंगे। यहाँ देखिए इसका उल्टा करेंगे तो कड़ी में दो हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा दो बटा कड़ी में तीन हो जाएगा, और इसका उल्टा करें एक बटा एक, एक बटा एक यहाँ पर एक आ जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा का मान निकालने के लिए आपको कास थीटा का मान रख करके एक बटा एक करके, जैसे देखिए एक का एक बटा एक करेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा दो बटा गाड़ी में तीन, और एक बटा कड़ी में दो का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में दो, और फिर जब इसका उल्टा करेंगे एक बटा दो का तो हो जाएगा दो, और जीरो है तो जीरो का उल्टा करेंगे तो एक बटा जीरो, तो एक बटा जीरो का मान हो जाएगा यहाँ पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह से काट का मान आप रख सकते हैं, काट का मान जीरो का उल्टा करेंगे तो एक बटा जीरो हो जाएगा, तो एक बटा जीरो का मान हो जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनिटी हो गया। और टैन देखिए, टैन 30 में एक बटा कड़ी में तीन है, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में तीन, और देखिए एक बटा एक तो ये एक होगा, यहाँ देखिए इसका हो जाएगा ये कड़ी में तीन है तो हो जाएगा एक बटा गाड़ी में। इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इन्फिनिटी लिखा गया है, तो आप जानते हैं कि अगर इन्फिनिटी रहेगा तो इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा गया है कि एक बटा इन्फिनिटी, अगर एक बटा इन्फिनिटी लिखा गया है तो इसका मान जीरो हो जाएगा, तो बराबर जीरो हो गया, इसके स्थान पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जीरो लिख देंगे तो ये जीरो हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो देख रहे हैं कि आपको करना क्या है, आप जीरो बटा चार, एक बटा चार, आप ये समझ गए कैसे हुआ है। इसमें देख रहे हैं कि एक दो आपको करना का क्या है, एक दो तीन चार लिखेंगे, इसके बाद चार से सब में भाग कर देंगे, चार से भाग करने के बाद जो आएगी संख्या उसका वर्गमूल कर देंगे। तो देखिए जीरो बटा चार तो जीरो हो गया, यहाँ एक बटे चार था इसका वर्गमूल एक बटा दो हो गया, यहाँ एक बटे दो था इसका वर्गमूल एक बटा कड़ी में दो हो गया, और यहाँ पर कड़ी में तीन बटे चार था तो ये हो गया कड़ी में तीन बटे दो, और ये हो गया चार बटा चार, चार बटा चार एक हो गया, एक का वर्गमूल करें एक आएगा। तो साइन थीटा का मान आपको मिल गया कि जीरो, एक बटा दो, एक बटा कड़ी में दो, कड़ी में तीन बटा दो, एक। और इसी का जब आप उल्टे क्रम में लिख देंगे तो कास थीटा का मान मालूम हो गया, तो हो गया एक कड़ी में तीन बटा दो, एक बटा कड़ी में दो, एक बटा दो, जीरो। इसके बाद आपको
टैन का मान निकालना, आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो साइन थीटा में कास का भाग 0/1 तो 0 आ गया, इसका भाग किए तो 1/3 आ गया, इसका दोनों का भाग किए तो 1 आ गया, इसका भाग किए तो 3 आ गया, और इसका भाग किए तो आ गया अपरिभाषित, या इसको इन्फिनिटी कहते हैं। इसी तरह से कोसेक का मान आप साइन का उल्टा करके लिख देते हैं, 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया, इसका कर दिए 2 हो गया, इसका उल्टा कर दिए 2 हो गया, इसका उल्टा कर दिए 2/3 हो गया। और जब हम एक का उल्टा कर दिया 1/1 तरह से सेक थीटा के लिए, देखिए कास का उल्टा कर दिया गया तो 1 हो गया, ये देखिए 3/2 था तो इसको लिए 2/3 हो गया, 1/2 था तो 2 हो गया, यह 1/2 था तो 2 हो गया, और ये 0 था तो 1/0 हो गया, और इसका मान हो गया अपरिभाषित या इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉट थीटा के लिए आपको टैन का उल्टा कर देना है, तो टैन का जब उल्टा कर दिए तो आ गया ये देखिए इन्फिनिटी हो गया, 1/3 का 3 हो गया, 1/1 1 हो गया, और 3 था तो 1/3 हो गया, और यहाँ देखिए ये 0 हो गया। इस तरह से दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आए तो हमारे चैनल पर, अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक, धन्यवाद।